सिंगार गांव की कोऑपरेटिव बैंक शाखा को पुनाना शिफ्ट न कराने की मांग को लेकर विधायक व उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। लघु सचिवालय में एसडीएम प्रदीप अहलावत को ज्ञापन सौंपते हुए सिंगार गांव के गणमान्य लोग, जिले के सबसे बड़ी आबादी वाले गांव सिंगार की कोऑपरेटिव बैंक शाखा को पुनाना शिफ्ट न कराने को लेकर गांव के लोगों में बैंक प्रशासन व सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है, जिसके चलते गांव के गणमान्य लोग द्वारा मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन सिंगारिया के नेतृत्व में उपायुक्त धीरेन्द्र व नूह विधायक के आफताब अहमद को ज्ञापन सौंपकर गांव की कोऑपरेटिव बैंक की शाखा को पुनाना शिफ्ट न कराने की मांग की गई। उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम प्रदीप अहलावत उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर आफताब अहमद व उपायुक्त ने लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांग को पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अल्ताफ हुसैन सिंगारिया, तैयब, इरशाद, शौकत, जान मोहम्मद, आजाद, मकसूद व कमरू सहित गणमान्य लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सिंगार गांव की आबादी 40 से 45 हजार के करीब है। गांव की आबादी के लिहाजे से गांव में पिछले करीब 40 वर्षों से कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खुली हुई है। 40 वर्ष पहले की आबादी बहुत ही कम थी, लेकिन वर्तमान में गांव की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। गांव के अधिकतर लोगों के खाते भी इसी बैंक में हैं। इसके अलावा गांव के वृद्ध, विकलांग व विधवाओं की पेंशन भी इसी बैंक में आती है, और इन लोगों को गांव में ही इसी बैंक से पेंशन लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा गांव की शाखा को पुनाना शहर में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके गांव के लोगों में भारी रोष है। अधिकतर वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों चलते फिरने में असमर्थ हैं, और ऐसे में उन्हें पेंशन के लिए पुनाना जाना पड़ेगा, जिसे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों में ज्ञापन के माध्यम से गांव के लोगों ने प्रशासन से बैंक व शिफ्ट न कराने की गुहार लगाई है। नाम इब्राहिम है जी, हम ग्राम सिंगार तहसील पुनाहाना से आए हैं, और कोऑपरेटिव बैंक में हमें पेंशन मिलती बुढ़ापे की, और अब वहां से कोऑपरेटिव बैंक उठा कर पुनाहाने ले जा रहे हैं। हम बुजुर्ग बहुत कमज़ोर हैं, वहीं तक बहुत मुश्किल से आते हैं, तो पुनाहाने 8-7 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारी कोऑपरेटिव बैंक में वही पेंशन मिलनी चाहिए हमारे गांव में सिंगार में। देखो, आज हम जो पूरा गांव के तकरीबन सैकड़ों बुजुर्ग मेरे साथ में यहां नूह आकर के हमारे मंत्री महोदय से हम मिले हैं, और अपनी समस्या से हमने उनको रूबरू कराया है, और हमने उनके सामने यही मांग रखी है कि जनाब, हमारे बुजुर्ग हैं जो ये बेचारे पहले ही एक अपाहज हैं, जो वहीं तक आने में इनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है पेंशन के लिए, और आज एक सरकार के गलत निर्णय की वजह से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहाँ से पुनाना शिफ्ट किया जा रहा है। उसमें हमने आज आकर के यहाँ मुस्लिम महासभा की तरफ से, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मुस्लिम महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एमएलए साहब को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, और इंशाल्लाह हमें एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है और ये विश्वास दिया है कि चाहे मुझे इसकी आवाज़ सीएम तक उठानी पड़े, और ये परेशानी हम उन बुज़ुर्गों को नहीं होने देंगे। आज हमारे सबसे बड़ा गांव हमारे ज़िले का सिंगार गांव के सैकड़ों बुज़ुर्ग और हमारी माताएं आज यहां जिला मुख्यालय पहुंची हैं, और इनकी एक समस्या है कि इनको जो पेंशन मिलती है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का खुला हुआ पैक्स जो है सिंगार से मिलती है, जो 30 साल से यहां काम कर रहा है, और उस सरकार जो है उसको पैक्स को बंद कर रही है। तो इसको इन बुज़ुर्गों को अपनी पेंशन और अपनी ज़रूरत के लिए बैंक की सुविधा के लिए पुनाना जाना पड़ेगा, जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, जिसको देखते हुए ये सारे यहाँ आज मुलाकात करी है। हमारे साथी के साथ मिलने के लिए ये आए। हमने डिप्टी कमिश्नर मेवात से, नूह से बात करी है, और उसके संज्ञान में ये बात को लेके आए हैं, और उनसे कहा है कि इस समस्या का करा जाए
ये बुजुर्ग जो हैं पुनाना नहीं जाएंगे, इनको सिंगार में ही इनके कॉम्पैक्स को जो है बंद ना किया जाए और जिससे कि इनको सुविधा रहे, जो सुविधा इनको मिल रही है इस बुजुर्ग में, बुजुर्ग इस उम्र में ये कहाँ सफ़र करेंगे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए और पेंशन के लिए खास तौर पे। तो उन्होंने सकारात्मक उसका आश्वासन दिया है और हम यहाँ की बात है, ज़िले की बात है, ज़िले की और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर से बात है उससे भी, और हो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलके इस समस्या को, क्योंकि ये जायज़ बात है, सरकार का ये गलत निर्णय है कि बड़े बड़े गांव में जो है पैक्स को बंद करके लोगों को परेशानी में डाले। ये सुविधा के लिए है, सरकार असुविधा ना खड़ी करे बुज़ुर्गों के लिए, खास तौर पे हमारे सबसे बड़ा गांव है उसमें बहुत ज़रूरत है। 50,000-60,000 की तो जनसंख्या है उसमें, आज देख सकते हो सैकड़ों के उसमें तादाद में जिला मुख्यालय अपने यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है आए हैं। तो हम इनकी बात को यहाँ भी और चंडीगढ़ तक भी, इनकी बात को जायज़ बात है उसको पूरा कराएं।